हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लव विद द गार्डन। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम एफिड्स से छुटकारा कैसे पा सकते हैं। वीडियो अपडेट्स के साथ है तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सर, मॉनसून में हमारे पौधों पर बहुत सारे इंसेक्ट्स लग जाते हैं जो हमारे पौधों का रस चूसने लगते हैं, जैसे मिली बग्स, एफिड्स। उनमें से एफिड्स होते हैं ग्रीन या वाइट कलर के। आज हम इसको भगाने के बारे में बात करेंगे। देख रहे हैं कि ये मेरा एक्जोरा का पौधा है जिसपे बहुत सारे एफिड्स ने हमला कर रखा है। तो आज हम इसी के साथ अपना जो सॉल्यूशन है इस पर अप्लाई करेंगे और देखेंगे रिजल्ट्स। एफिड्स अक्सर पत्तों के नीचे पनाह लेते हैं और वहाँ पर रिप्रोड्यूस कर बहुत सारे फैल जाते हैं पूरे के पूरे पौधे पर। वो बहुत ही जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं और आपके एक पौधे से दूसरे पौधे पर आसानी से जा सकते हैं। इसलिए अगर आपको सब पहले ही आपके किसी पौधे पे भी एफिड्स हों तो उस पौधे को सभी पौधों से दूर रखिए, ताकि इस पौधे में के एफिड्स बाकी सभी पौधों में ना लग पाएं। सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें चाहिए लिक्विड सोप या हैंड वॉश, और एक चाहिए स्प्रेयर जिससे हम स्प्रे कर सके अपने पौधे पर। तो हमें क्या करना है कि हमें पानी भरना है अपने स्प्रेयर में और उसमें दो बूंद डालनी है लिक्विड सोप की या डिश वॉश की, और फिर उसे अच्छे से बंद करके उसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे उसमें। मैंने स्प्रेयर में पानी सिर्फ और सिर्फ आधा लीटर लिया है और उसमें दो बूंद ही डाली है डिश वॉश की। आप ज़्यादा मात्रा में डिश वॉश ना डालिएगा, नहीं तो आपके पौधे को वो बर्न भी कर सकता है। आपको अपने पौधे पर सारा सॉल्यूशन स्प्रे कर देना है, और आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब ये स्प्रे कर रहे हों तो ये शाम का वक्त हो, क्योंकि जब हम दिन में सुबह करेंगे तो जैसे ही सूरज आएगी तो सारा पानी इवेपोरेट होकर जल्दी चला जाएगा। ये हमने अपने पौधे पर अच्छे से स्प्रे कर दिया है। आपको इस पानी को जड़ों में नहीं जाने देना है ज़्यादा से ज़्यादा, थोड़ा बहुत जाएगा तो उतना चल सकता है। पत्तियों को उल्टा कर अच्छे से, खूब अच्छे से स्प्रे कीजिए। तो आज दूसरा दिन है और देख सकते हैं आप सभी एफिड्स काले होकर मर चुके हैं हमारे पौधे पर से। देखिए आप, हर जगह से जहाँ पर भी एफिड्स लगे हुए थे हर जगह से वो काले हो गए हैं और एकदम से मर गए हैं। आप ये स्प्रे फिर से दो दिन बाद कर सकते हो, तब वो एकदम स्ट्रांगली आपके पौधे से चले जाएंगे। तो आपने देखा कि कैसे हम अपने घर के सामान को इस्तेमाल करके अपने पौधों को स्वस्थ रख सकते हैं। आप भी अपने पौधों पर इसे इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हैप्पी गार्डनिंग।